नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक सिंपल स्टीरियो एम्पलीफायर सर्किट है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा दो पीस 5200 ट्रांजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें ये दो ट्रांजिस्टर का जो ये दो एमिटर पॉइंट्स है और ये जो दो बेस पॉइंट्स है, ये दो एमिटर पॉइंट्स और ये दो बेस पॉइंट्स हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस 1K रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें एक 1K रजिस्टर इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद दूसरा 1K रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर दो ट्रांजिस्टर का दो बेस पॉइंट्स जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 470 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर दो ट्रांजिस्टर का दो एमिटर पॉइंट्स जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा कोई भी एक पुराना हेडफोन। उसके बाद दोस्तों, अब हमें हेडफोन को ऐसे काट लेना है। काटने के बाद फ्रेंड्स देखिए, हेडफोन का ये जो पॉइंट है, ये है इसका ग्राउंड पॉइंट, ये है इसका राइट ऑडियो पॉइंट और ये है इसका लेफ्ट ऑडियो पॉइंट। उसके बाद देखिए, अब हमें हेडफोन के ग्राउंड पॉइंट के साथ जो तार कनेक्टेड है, इस तार को हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दोस्तों देखिए, हेडफोन के राइट और लेफ्ट ऑडियो पॉइंट के साथ जो दो तार कनेक्टेड है, अब हमें ये दो तार एक साथ इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो स्पीकर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें दो स्पीकर का कोई भी दो तार एक साथ इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद दोस्तों देखिए, अब हमें एक स्पीकर का दूसरा तार सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा स्पीकर का दूसरा तार हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से
एक सिंपल स्टीरियो एम्पलीफायर सर्किट अपने घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।